अपने समय की हिट मूवी लव स्टोरी की हीरोइन विजेता पंडित तो आपको याद होगी। विजेता अपनी पहली फिल्म से ही रातों रात स्टार बन गई थी, लेकिन उनका करियर इतना शानदार नहीं रहा। उनके हिस्से जो भी फिल्में आई वो फ्लॉप रही, या यूं कहें कि उन्हें लव स्टोरी जितना फेम नहीं मिला। लव स्टोरी में सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि उनका प्यार भी शुरू हुआ था, और वही प्यार उनके करियर को बर्बाद करने की वजह बना। ऐसा ही कई बातों का खुलासा करती नजर आई विजेता पंडित। लहरन रेट्रो को दिए इंटरव्यू के चलते विजेता पंडित एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत से राज खोले। वह अपने प्यार कुमार गौरव के बारे में भी बात करती दिखी। इंटरव्यू में विजेता ने बताया कि फिल्म के दौरान ही उन्हें कुमार गौरव से प्यार हो गया था, और कुमार गौरव भी उनसे प्यार करते थे, लेकिन उनके पिता राजेंद्र कुमार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वह अपने बेटे के लिए खानदानी और अमीर घर की लड़की बहू बनाकर लाना चाहते थे, लेकिन वह विजेता के प्यार में ही थे। इस रिश्ते को खत्म करने के लिए राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव की सगाई अपने पक्के दोस्त राज कपूर की बेटी रीमा कपूर से करवा दी, लेकिन कुमार गौरव इस सगाई से खुश नहीं थे। वह सगाई के बाद भी विजेता से मिलने उनके घर पहुंच जाते थे, लेकिन राजेंद्र इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देना चाहते थे। लव स्टोरी हिट हुई और विजेता गौरव की जोड़ी भी आगे भी दोनों को कई फिल्में ऑफर हुई, लेकिन विजेता का कहना है कि राजेंद्र कुमार ने उन्हें हर फिल्म से निकलवा दिया जिसमें उनके बेटे कुमार गौरव बतौर हीरो नजर आ रहे थे। हालांकि कुमार गौरव भी आगे किसी फिल्म में कमाल नहीं दिखा पाए, दोनों का ही करियर ठप हो गया। कुमार गौरव ने रीमा से सगाई भी तोड़ दी, जिसके चलते राजेंद्र और राज कपूर की दोस्ती भी टूट गई। हालांकि विजेता और कुमार गौरव का प्यार भी परवान नहीं चढ़ा। इसी बीच कुमार गौरव संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त के प्यार में पड़ गए, और नम्रता से ही उन्होंने शादी की। इंडस्ट्री में संजय दत्त और उनकी दोस्ती काफी मशहूर रही थी, और दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल गई। ऐसा भी कहा जाता है कि कुमार का विजेता पंडित से रिश्ता संजय दत्त की वजह से ही टूटा था। कुमार गौरव और नम्रता की दो बेटियां हैं जिनका नाम है सिया और सांची। दोनों ही बेटियों की अब शादी हो चुकी है। बता दें कि कुमार गौरव का असली नाम मनोज तुल्ली था, क्योंकि बॉलीवुड में पहले से ही एक मनोज थे, इसलिए उनका नाम बदला गया और कुमार गौरव रख दिया गया। राजेंद्र कुमार चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह एक सुपरस्टार बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लव स्टोरी फिल्म में चार्मिंग पर्सनैलिटी रखने वाले कुमार गौरव इतने फेमस हो गए थे कि लोगों को लगता था कि वो भी अपने पिता की तरह ही नाम कमाएंगे। फिल्म हिट रही, लेकिन साथ ही विजेता के प्यार में भी वह पड़ गए, और यही प्यार उनके करियर पर भारी पड़ गया। उसके बाद कुमार ने रति अग्निहोत्री, पूनम ढिल्लो और माधुरी दीक्षित के साथ भी फिल्में की, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई। कहा गया कि कुमार अपनी पहली फिल्म की सफलता को पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि इस फिल्म की सफलता के बाद कुमार गौरव ने यह फैसला किया कि वह किसी नई एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। इसके पीछे दो वजह थी। पहली, वह खुद को स्टार मानने लगे थे, और दूसरा, नए स्टार्स को वह स्ट्रगलर मानते थे। बस इन्हीं बातों के चलते उनके हाथ से अच्छी फिल्में निकल गई। राजेंद्र कुमार ने बेटे के करियर को सफल बनाने की पूरी कोशिश भी की थी। उन्होंने फिल्म बनाई जिसका नाम था नाम। फिल्म में संजय दत्त, नूतन और अमृता सिंह भी थी। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई, लेकिन फिल्म का सारा क्रेडिट जो था वो संजय दत्त को मिला, और कुमार गौरव सिर्फ सपोर्टर एक्टर के तौर पर ही दिखाई दिए। धीरे धीरे बॉलीवुड से उनका नाम पूरी तरह गायब हो गया, और उनकी आखिरी फिल्म 2002 में कांटे आई थी, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। कहा जाता है कि फिल्मों से कुमार गौरव के गायब होने का एक कारण राज कपूर भी थे, क्योंकि राज कपूर की बेटी रीमा से उन्होंने सगाई तोड़ी थी, जिसके चलते राज कपूर ने अपनी फिल्मों में गौरव को लेने से मना कर दिया था। फिल्मों में सिक्का नहीं चला तो वह बिजनेस की ओर बढ़ गए। कुमार गौरव का मालदीप में ट्रैवल बिजनेस है, और वह कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी शामिल हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।